नमस्कार। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कोरोना की चौथी लहर की आशंका जताई है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कोरोना की चौथी लहर जून जुलाई के महीने में आने की उम्मीद है। कोरोना की चौथी लहर को रोकने के लिए टीकाकरण ही एकमात्र कदम है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि टीकाकरण बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से एक बार फिर से टीकाकरण कराने की भी अपील की। टोपे ने कहा कि वह कोरोना वैक्सीनेशन का टीका जरूर लें और इसके साथ ही मास्क का उपयोग भी करें। राज्य में फिलहाल मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने सभी से अपील की है कि मास्क का उपयोग किया जाए। राजेश टोपे ने कहा, भविष्य में अगर सकारात्मक रिपोर्ट आती है तो मास्क के संबंध में अगला निर्णय लिया जाएगा। आप सभी को बता दें, अप्रैल के आखिरी हफ्ते से मुंबई में कोरोना का प्रसार तेजी से बढ़ रहा है। मुंबई में पीड़ितों की संख्या 2% से अधिक हो गई है। ऐसे में अब इस बात पर बहस छिड़ गई है कि क्या फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ेगा। अप्रैल के दूसरे सप्ताह से मुंबई में निश्चित तौर पर मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इससे पहले शहर में रोजाना मरीजों की संख्या 50 से कम थी। तो आप सभी लोग अपने तरफ से सावधान रहें। आप देख रहे हैं एसपी अपडेट यूट्यूब चैनल। महाराष्ट्र मुंबई की सभी ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।